प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की वर्कशीट दिनांक 11/8/2021 टॉपिक आलोक धनवा को लेकर मैं हाजिर हूं प्राध्यापक शांतिलाल विष्णु। तो ये अपना अध्याय नंबर 2 है और इसका टॉपिक है आलोक धनवा। जैसा कि आपको विदित होगा कि आलोक धनवा की कविता है पतंग। तो पतंग कविता के कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखें और अपनी वर्कशीट भरें। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप कक्षा 12 दिनांक 11/8/2021 विषय हिंदी अनिवार्य अध्याय 2 टॉपिक आलोक धनवा। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखना होता है, आप यहाँ लिखकर विद्यार्थी का नाम स्कूल में जमा करवाएं और यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिखें, जैसा कि मैंने लिखा है राहु मावी गांधी सागर फलोदी। तो इसमें सबसे पहला अपना प्रश्न है वो इस प्रकार है कि आलोक धनवा के कितने कविता संग्रह हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान से उत्तर दें, आलोक धनवा के कितने कविता संग्रह हैं? तो इसका उत्तर यह है कि एकमात्र कविता संग्रह है इनका, जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। ध्यान रखें, आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है। दूसरा प्रश्न पूछा है बिंब स्पष्ट करें, मतलब सबसे तेज बोछारे गई भादो गया इसमें कौन सा बिंब है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा इसमें कौन सा बिंब है, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए इसमें कौन सा बिंब है। तो सबसे तेज बोछारे गई भादो गया इसमें गतिशील दृश्य बिंब है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा इसमें स्थिर दृश्य बिंब है, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए इसमें गतिशील दृश्य बिंब है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते समय अपने घरों की छतों पर दौड़ते हैं, उस समय उनके पैरों की जो पद चाप सुनाई देती है, उस पद चाप को सुनकर ही कवि ने उसी के संदर्भ में यह बात कही है कि उनकी पैरों की आवाज़ इस प्रकार की आती है मानो सभी दिशाओं में चारों ओर मृदंग नामक वाद्य यंत्र बज रहा। प्रश्न नंबर 4, शरद आया में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर शरद को मनुष्य के समान बताया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 5, जब वे दौड़ते हैं बेसुद्ध पंक्ति में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कौन दौड़ते हैं? तो पतंग उड़ाते हुए बच्चे दौड़ते हैं। तो इसका उत्तर यह होगा कि यहाँ वे शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट के ये 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन के मैंने यहाँ पे आंसर दिए। उम्मीद करता हूँ कि वर्कशीट भरने